आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ पर तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नैब तरामीम के बाद यह केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। फारूक एच नाइक के दलाइल सामने आए हैं, इस बारे में मजीद तफसीलात जीशान सैयद से हम लेते हैं। जीशान, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, ये साबिक वजीर आजम, मौजूदा चेयरमैन सेनेट और मौजूदा सदर के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने का रेफरेंस था जो कि 2016 में दायर हो चुका था और ये एक बार पहले भी ये रेफरेंसेज नैब को वापस जा चुके थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाली के इकदाम का लदम करार दिए थे तो ये केसेस वापस चले गए। और अब जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी अपीलों पे फैसला आया और तरामीम जो है वो बहाल कर दी गई, तो आज अदालत को बताया गया कि क्योंकि 800 मिलियन का रोल है और ये 80 मिलियन की जो है वो बनती है इसमें चीजें, इस केस को चेयरमैन नैब को वापस भेजा जाए और फिर उनकी मर्जी है कि जहाँ पे वो लगवा दे। हम 14 अक्टूबर को जो है ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा। 14 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जीशान।